हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जिस सारे स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप टिक्की ऐप के लिए अपनी फोटो पर सारी लिखकर कुछ इस तरह से सारी स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस तरह की सारी स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है कैनमास्टर। तो आपको कैनमास्टर ऐप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको लिंक पर क्लिक करके कैनमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कैनमास्टर ऐप को ओपन करना है। कैनमास्टर ऐप ओपन करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए पैसा ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको 960 की साइज को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से गाइस आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद एक ऑप्शन मिल रहा है पैन एंड जूम वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। गाइस, आपको दोनों उंगलियों की मदद से वॉलपेपर को इस तरह से जूम करना है, फुल स्क्रीन में आपको जूम करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस, आपको फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसकी लेयर को खींच कर थोड़ा सा लंबा कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन करना है, फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है मीडिया, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें सारी ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। गाइस, इस वीडियो को बनाने में जो भी वीडियो इफेक्ट साउंड यूज होंगे आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो इफेक्ट और साउंड को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस आपको सारी ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से गाइस आपको नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रोमा की, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी ग्रीन स्क्रीन वीडियो लग जाएगी। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है की कलर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको ग्रीन कलर को इसमें सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस, आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन स्क्रीन वीडियो कुछ इस तरह से लग चुकी है। अब गाइस आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको अच्छे से नीचे साइड में इसको लगा लेना है। आपको अच्छे से वॉलपेपर में सेट करके इसको लगा लेना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन स्क्रीन वीडियो कुछ इस तरह से वॉलपेपर में लग चुकी है। अब गाइस आपको वॉलपेपर की लेयर को खींचकर ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लेयर के बराबर कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन करना है, फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। गाइस, आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से आपको फुल स्क्रीन में इसको लगा लेना है। यहाँ से गाइस आपको नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस, आपको लास्ट बार लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको एक बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको बॉर्डर लाइन की लेयर को खींचकर वीडियो की लेयर के बराबर कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको यहाँ से इसको डन कर देना है। तो गाइस, हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों, आप इसी तरह से टिक्की ऐप के लिए अपनी फोटो पर सारी लिखकर सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।